नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुर्णा नगर से 1 जनवरी को साईं पालकी का आयोजन होगा। 133 भक्तों ने पदयात्रा हेतु किए पंजीयन। धार्मिक नगरी पांडुर्णा से प्रतिवर्ष श्री क्षेत्र शिरडी तक आस्था रूपी पालकी पदयात्रा का आयोजन होता है। लगभग 650 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने भक्त अपने आराध्य सदगुरु साईं बाबा के दर्शन को पहुंचेंगे। सदगुरु साईं बाबा भिक्षा झोली पालकी एवं पदयात्रा समिति पांडुर्णा के तत्वाधान में पांडुर्णा से शिरडी पालकी पदयात्रा नए वर्ष की 1 जनवरी को नगर में स्थित साईं मंदिर टेकड़ी से शाम 4 बजे निकलेगी। रात्रि 10 बजे नगर के हृदय स्थल गुजरी स्थित श्री साईं कुटिया में रात्रि पालकी का विश्राम होगा तथा 2 जनवरी दोपहर 12 बजे के आरती के पश्चात पालकी यात्रा शिरडी के लिए रवाना होगी। इस वर्ष पालकी यात्रा में पांडुर्णा से 94 भक्त, शेरदुर जन्ना घाट से 31 भक्त, बुलढाड़ा जिले से 7 भक्त एवं जालना से 1 भक्त यात्रियों का पंजीयन हुआ है। कुल पदयात्रा में 133 भक्त यात्रियों ने अपना पंजीयन किया है। ये सभी पदयात्री पदयात्रा करते हुए 20 जनवरी की शाम पदयात्रा पालकी निवारा निमगांव शिरडी पहुंचेंगे तथा 21 जनवरी दिन शनिवार को दोपहर को 3 बजे समाधि साईं मंदिर के लिए धूमधाम से पालकी यात्रा निकलेगी। शाम 7 बजे दर्शन साईं भक्त समाधि के दर्शन कर पालकी यात्रा सम्पन्न करेंगे। पांडुर्णा संवाददाता मनोज गुर्ते की रिपोर्ट। साई बोल मैंने बोला तू भी बोल।